प्रियो जय मसीह की, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप प्रभु की महिमा करते हैं और प्रार्थना में लवलीन हैं, और ऐसा ही आशा रखता हूँ कि आप आगे भी बने रहेंगे और समाज में रहते हुए उसके नाम को ऊंचा करेंगे। और सचमुच में जब उसके नाम को आप ऊंचा करते हैं तो प्रभु अपनी बहुतायत की आशीष अलौकिक सामर्थ आपको देता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, और अभी इस वक्त लाइट नहीं है, फिर भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद और वचन बांटने के लिए लालायित हूँ, उत्साहित हूँ कि आपको ऐसे समय में भी प्रभु का वचन को मैं दे सकूँ। प्रिय, हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं मरकुस उसका 6 अध्याय और उसके 14 पद में। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या के बारे में जानकारी मिलती है कि उसकी हत्या की गई हेरोदेस के द्वारा और उसके हुक्म के द्वारा। तो उस कहानी को हम पढ़ेंगे। उस कहानी के 14 पद में इस प्रकार से लिखा, 6:14 में मरकुस में, हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसके द्वारा अद्भुत काम होते थे। किसकी चर्चा सुनी? यीशु मसीह की, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, यीशु का नाम फैल गया था। हेरोदेस की, हेरोदेस ने उसकी चर्चा सुनी थी और उसने उससे कहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शायद मरो में से जी उठा है, और उसी इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं, क्योंकि उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को मरवाया था। और क्यों मरवाया था, इस कहानी को भी हम देखेंगे। इसलिए अन्य लोगों ने कहा यह एलिया हो सकता है, और कुछ ने कहा भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ताओं में से एक किसी एक के समान है जो ये बड़े बड़े काम करते। तो हेरोदेस उसे देखने की इच्छा रखता था, हेरोदेस उसे मिलना चाहता था, और हेरोदेस ने यह सुनकर कहा जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वह जी उठा है। उसके मन में वही चल रहा था कि मैंने उसका सिर कटवाया था, वो अब जी उठा है। तो हेरोदेस ने अपने भाई क्यों कटवाया था, अब मैं बताना चाहता हूँ कि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपियुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया था, जिसके कारण उसने उसको हेरोदियास की अपने भाई की पत्नी को उसने रखा था। यह हेरोदियास एक पदवी है जो चौथाई के राजा हेरोदियास है, वो यहाँ पर बताया गया, जिसने अपने उससे विवाह कर लिया था भाई की पत्नी से, और लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदी गृह में डाल दिया था। कारण क्या था उसको डालने का, वो कारण ये है 18वें पद में, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदियास से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं है। प्रियो, क्योंकि यूहन्ना धर्मी था, यूहन्ना भविष्यवक्ता था, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, यूहन्ना ये चाहता था कि एक राजा होते हुए अपनी भाई की पत्नी को रखना तेरे लिए ठीक नहीं है। जबकि राजा ऐसे करते थे, राजा बहुत सी बातों को, किसी की भी लड़की, जवान स्त्री, किसी को भी वो पसंद करे तो अपने पास उसको रख लेते थे, ऐसा बहुत से राजा लोग करते आए हैं और ये आम बात थी। पर धर्मी होने के नाते, धर्मी के अंदर से धर्मीपन की बातें निकलती हैं, और धर्मी दूसरे के जीवन को बिताना चाहता है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति हो, जब आप रिस्पॉन्स रखते हो किसी बात का, जब आपके पास एक पद भी हो, जब आप एक राजा के रूप में जाने जाते हो, जब आप एक सेवक के रूप में जाने जाते हो, जब एक आप अच्छे विश्वासी के रूप में जाने जाते हैं, तो आपको इस तरीके से दो दो पत्नियां रखने का अधिकार नहीं है। तो प्रिय वचन ये बता रहा कि हेरोदियास ने ऐसा किया था, अपनी भाई की पत्नी को रख कर उसने एक महापाप किया था, और यूहन्ना उसे बार बार चिताता था, और जब यूहन्ना उसे चिता रहा था तो उसकी पत्नी जो उसके भाई की पत्नी थी फिलिपियुस की, तो वो उसे चिढ़ती थी, और जब वो उससे चिढ़ती थी तो उसी के कारण से उसने उसे बंदी गृह में डलवा दिया था। प्रियो, क्योंकि जब आपके बारे में कोई अच्छी जानकारी दे रहा हो, जब आपको मृत्यु से बचाना चाहता हो, जब आप गलत कर रहे हो और आप सही कैसे चल सकते हैं, तो आपको कोई बता रहा हो तो आपको चिढ़ होगी और आपको गलत करने में मजा आएगा, आपको ऐसा करने में ही आनंद आता है। प्रियो, क्योंकि वो गलती आपको गलती नहीं लगती, बल्कि वो आपको एक जुनून होता है, आपको अपने भोग विलास की जो आदत होती है उसी में आनंद मिलता है, और सच्चाई बोलने वाले से आप नफरत करने शुरू कर देते हैं, और कई बार आप उसे क्या करेंगे, कैद खाने में डलवा देंगे, कई बार आप उसे मार देंगे, कई बार आप उसके विरुद्ध में बात करेंगे, कई बार आप उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे, कई बार उसके लोगों को आप भड़काना शुरू कर देंगे, कई बार उसके बारे में बहुत कुछ आप उल्टा सीधा बोलेंगे, और हमेशा द्वेष की भावना आप उससे रखेंगे, जैसे हेरोदियास की पत्नी जो भाई की पत्नी थी वो रखती थी, हेरोदियास रखती थी, और हेरोदियास यहाँ पर लिखा कि हेरोदेस रखता था। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि इसलिए हेरोदियास ने उसे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले,
वो मौका ढूंढ रही थी कि इस धर्मी को जो हमारे विरुद्ध में बोलता है, हमारे रिश्ते और रिलेशन के विरुद्ध में बोलता है, हम इसे मरवा दें। और उसे मरवाना चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा नहीं कर सकी वो, ऐसा हो नहीं सका। कारण क्या था? ना होने का कारण यह था क्योंकि हेरोदेस उसे डरता था, उसे धर्मी समझता था। वचन बता रहे क्योंकि हेरोदेस योना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उसे डरता था और उसे बचाए रखता था, इसलिए उसने बंदी गृह में डालता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था और आनंद से सुनता भी था, हेरोदियास सुनता था। पर ये उस स्त्री की ही चाल थी कि उसने अपने पति के साथ विश्वासघात करते हुए और आप इस के साथ अपना रिलेशन बनाया और उसकी पत्नी बन गई। और योहन्ना जानता था कि हेरोदियास सुनता है, आनंद मनाता है, तो ये यहाँ पर इसके लिए गलत हो रहा है, तो उसे वो समझाता था। लेकिन ये चिढ़ती थी, ये इसे मरवाना चाहती थी। पर योहन्ना के धर्मी होने के कारण से हेरोदेस डरता था। और कई बार आपके जीवन में भी मेरे प्रियो इस प्रकार से होता है कि आप धर्मी जन को धर्मी तो मानते होंगे, पर आपके साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनसे चिढ़ते हैं। आपके परिवार में शायद आपकी पत्नी सेवक से चिढ़ती है, शायद आप बहन, मेरी बहन, आपको पति सेवक से चिढ़ रहा होगा, या आपके बच्चे सेवक से चिढ़ते होंगे। आपसे में किसी न किसी को एक दूसरे से चिढ़ते होंगे और आप शायद अच्छे हो मेरे प्रिय, पर दूसरे के कारण से आप उसे चिढ़ने लग जाए, दूसरों से मरवाना चाहता है, जैसे हेरोदियास उसे मरवाना चाहती है। हेरोदेस नहीं, हेरोदेस उसे धर्मी समझता है, डरता है और आदर करता है। पर उसे याद आ रहा है हेरोदियास को, हेरोदेस को, कि वो योहन्ना जी उठा है यीशु के रूप में, जिसके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। वो घबराया हुआ है, उसे देखना और मिलना भी चाहता है और कहते क्यों मरवा दिया है, और कैसा वो मौका ढूंढ रही थी कि उसे मरवाए और जेल में डाले, और वो जेल में डाल दिया गया था प्रियो। और कहते कि हम आगे देखते हैं, वचन बताता है ठीक अवसर आया जब उसकी पत्नी, जो दूसरी पत्नी थी, ताक में थी योहन्ना को मरवाने के लिए। कहते कि ठीक समय आया, और ठीक समय पर उसने क्या किया, जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें बुलाया और उन्हें बोझ दिया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई, हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस और उसके साथ बैठने वालों को आनंदित किया या खुश किया। तब राजा भी खुश हुआ और राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहती है मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। राजा इसलिए देना चाहता था क्योंकि उसने एक अच्छा डांस किया था, वो एक बेटी थी, बच्ची थी, और उसने डांस करके सबको आनंदित किया था, आनंद किया था, क्योंकि हेरोदियास का बर्थडे था और बर्थडे पे उसने अपने बच्चों को गिफ्ट देना अच्छा समझा। पर क्या गिफ्ट मांगा, क्या गिफ्ट देना है, बच्चा क्या गिफ्ट चाहता है, इस बारे में कोई भी जानकारी बच्चे को नहीं थी। फिर किसको थी ये जानकारी, कौन ये गिफ्ट मांग रहा था, कौन गिफ्ट की लालसा रखता था प्रियो? मैं कहना चाहता हूं वचन 24 में इस प्रकार से बताया जाता कि उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, हेरोदियास से पूछा, मैं क्या मांगू, राजा ने मुझे गिफ्ट देने के लिए कहा है कि मांग मुझसे, और मैं क्या मांगू मुझे बताओ। ऐसा नहीं क्योंकि राजा कोई टॉयस खिलौना तो देने वाला नहीं है, हो सकता राजपाठ ही आया, उससे कोई भी ऐसी बड़ी कीमती चीज मांग ले जिसके लिए जरूरी हो, और वो भी एक अधिकारी बन जाए बेटी, और उसके भविष्य में आगे काम आए कि वो राजकुमारी के रूप में तो जानी जाए और उसके पास भी बहुत से अधिकार राइट्स हों। तो सोचिएगा, वो अपनी माँ के पास गई और आगे लिखा कि ठीक अवसर था उस वक्त मांगने का, ये तो उससे मांग नहीं सकी थी, ये तो उसे मरवाना चाहती थी, लेकिन इसने बच्चे के थ्रू क्या मांगा मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसने पूछा, मैं क्या मांगू, वह बोली, योहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाले का सिर मांग, बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग ले। कितनी बड़ी बात है, एक बच्चा के द्वारा इस दुश्मन ने या इस विरोधी आत्मा रखने वाली, विरोध करने वाली औरत ने, या राजा की पत्नी जो बनी है, इसने क्या मांगा है, एक धर्मी के सिर को मांगा है, क्योंकि उसे पहले भी अपने मन में ठान चुकी थी कि इसे मरवाना है। आज राजा का बर्थडे है, आज बेटी नाच कर सबको खुश किया है, और खुशी में क्या मांग लिया है, बेटी ने नहीं, उसकी मां ने, और बेटी को सिखाया कि जा राजा से योहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर मांग ले। और वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उसे विनती की कि मैं चाहती हूं कि तू मुझे अभी योहन्ना बपतिस्मा
देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। सोचिए, उसने सिर मांगा था, अभी एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया कि थाल के अंदर परोसते हुए, थाल के अंदर रखते हुए योना बपतिस्मा दाता का सिर मुझे दे दे। प्रियो, क्या करेगी सिर का? किस प्रकार की मां है जो राजा के बड्डे पर किसी का कत्ल करवा रही है, वो भी धर्मी जन का, जो आपको पाप से बचाने के लिए कहता है, जो आपसे पाप से रोकने के लिए बात करता है, उसी का सिर ये चाहती है। क्यों? क्योंकि इसे वो खलता है, उससे ये चिढ़ती है और उसे देखना पसंद नहीं करती, पर राजा उसे धर्मी मानता है। पर यहां पर लिखा है, लिखा कि तब राजा बहुत उदास हुआ, राजा को दुख हुआ कि ये क्या मांगा है, और मैंने क्यों ऐसी गलती की कि जो तू चाहे मांग ले। पर बेटी कुछ नहीं जानती इस बारे में, पर ये इसकी माँ, बेटी की माँ जानती है कि मुझे मरवाना है तो धर्मी व्यक्ति को मरवाना। आज धर्मी लोगों के पीछे बहुत लोग हैं जो उन्हें मरवाना चाहते हैं। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप अच्छे सेवक हैं, प्रियो, क्यों आप धर्मी लोगों के विरुद्ध में खड़े होते हैं? क्यों आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं आप उनके साथ मिलकर परमेश्वर की बड़ाई और स्तुति आराधना करें? हेरोदेस डरता था, धर्मी था, यीशु की जानकारी रख रहा था, यूहन्ना के बारे में फिर से कि वो जी उठा ऐसा चाह रहा था, उसके बर्थडे आने पर कहते कि बेटी सिखाए जाने के द्वारा माता के यूहन्ना का कत्ल करवा देती है, यूहन्ना का सिर मंगवाती है, और लिखा कि और वो अपने बैठने वालों के कारण से शर्मिंदा था और वो बहुत दुखी था और वो इनकार नहीं कर सका। उस बात को टालना तो ना चाहा उसने, कारण इसलिए नहीं टालना चाहा क्योंकि वो बैठने वालों के कारण से, राजा तो राजा होता है। और उसने बोला, अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लिया, और उसका सिर काट दिया गया। कितने दुख की बात है कि राजा ने उसके सिर को कटवा दिया। क्यों? क्या कारण है कि इस तरीके के लोग समाज में है जो धर्मी जन के सिर को कटवा कर सोचते कि अब कोई हमें टोकने रोकने वाला नहीं मिलेगा? कारण सिर्फ ये पाप का है। जिसके लिए पाप उसका बाप बन जाए ना, तो वो कभी भी धर्मी जन को जीने नहीं देता। और आज संसार में धर्मी जन को जीने ना दे, बहुत से लोग उसके विरुद्ध में खड़े हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपका पवित्रता का जीवन उन लोगों की भी मदद कर सकता है। आप धर्मी जन को सुने, उनके द्वारा वचन को सुने और उनकी सहायता करें। नहीं तो कटने के लिए तैयार है, वो मरने के लिए तैयार है सच्चाई के लिए। पर आपको सोचना है कि क्या आप सच्चाई बोलने वाले लोगों का साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं। आपको उनकी बातें कड़वी जरूर लगेंगी, पर कई बार कड़वा आपके जीवन को बचा सकता है। इसलिए वचन बता रहा है कि उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर कटवा दिया और एक थाल में रखकर लाया गया और लड़की को दे दिया, और लड़की की माँ, लड़की ने माँ को दे दिया, और यह कहकर यूहन्ना के चेले आए और उसके सबको ले गए और कब्र में रख दिया। यहाँ यूहन्ना का ध्यान हो जाता है और उसकी भी जली राग, उसके हृदय में जो बढ़ास थी, जो ईर्ष्या और क्रोध था, वो भी ठंडा हो जाता है। किसका? हेरोदियास का। क्या सब कुछ खत्म हो गया यूहन्ना के चले जाने से, यूहन्ना के जो बताने से? क्या उसकी जगह पर दूसरा तैयार नहीं था जो यीशु के रूप में आ गया था, जो सबके पाप को उजागर कर रहा था, जो सबको डांट रहा था और कह रहा था कि तुमने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो। और आज जब लोगों ने यीशु मसीह को मारा और यीशु को मारने के बाद तीसरे दिन जी उठा, उसके बाद क्या उसने कितने लोगों को खड़ा कर दिया अपनी महिमा के लिए? उसमें से आप और हम सब हैं जो मुझे देख रहे हैं। आप भी उसके एक सेवक के रूप में चुने गए, आप विश्वासी के रूप में चुने गए कि आप उसके संदेश को बांट दें, आप उसके संदेश को दें। आपको भी चुना गया, सिर कटवाने से काम नहीं चलेगा, ईर्ष्या क्रोध वैभव करने से परमेश्वर का वचन बंद नहीं हो सकता। आपके पाप को कोई ना कोई उजागर जरूर करेगा, चाहे आपने कोई भी पाप किया हो, आपने कोई भी गलती की है, बस आपको मानना पड़ेगा। आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आप दूसरे को मिटाने के लिए तैयार है। ये कब तक चलेगा प्रियो? ये बहुत दुखदायक बात है कि आप इस तरीके से सेवकों को मार रहे हैं, इस तरीके से उसके धर्मी जन को खत्म करने की ताक में लगे हैं। कभी भी धर्मी जन को आप खत्म करने से उसके काम को, परमेश्वर के काम को बंद नहीं कर पाते। परमेश्वर का काम परमेश्वर करवाता है अपने लोगों से। एक को मारोगे, दूसरा व्यक्ति परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा हो जाएगा। यूहन्ना को मारा तो यीशु खड़ा हो गया, यीशु को मारा तो 12 शिष्य खड़े हो गए,
12 शिष्यों में से 120 और शिष्य तैयार हो गए, और फिर तो गिनती नहीं है मेरे प्रिय कि कोई नहीं खत्म कर सके। आप हजारों लाखों को मारोगे, लाखों करोड़ों से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए प्रभु की महिमा के लिए। ईर्ष्या क्रोध करने वाले आपको बाल बांकर नहीं कर सकते। सिर कटवाने के बाद परमेश्वर का काम बंद नहीं हो सकता। यीशु यीशु है और वो आपको सामर्थ्य और बल देता रहेगा। और ईर्ष्या क्रोध अगर आपके जीवन में किसी के प्रति भी है, सेवक के प्रति है या किसी और के प्रति है, उसको खत्म करो, डिलीट मारो और परमेश्वर के पास लौट आओ और तौबा करो, पश्चाताप करो, जिससे कि आप बच जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दें, क्रोध में ना आए बल्कि प्रार्थना करें और प्रभु आपको बचाएगा और आपको उद्धार करेगा। मुझे आप दें इजाजत, फिर मिलूंगा नए वचन में, नए वीडियो में, नई बात के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।